निदान यस सर। एक तो डायरेक्शन वालों को भेजो, बोलो मेरा सीन लेने हैं और मेकअप और हेयर को भेजो। ओके सर, भेज रहा हूं। तो और चाय भी बोल देना। यस सर। हां तो शकील भाई, ये आपका स्क्रिप्ट है ये? हां बस आपके पास 5 मिनट का टाइम है, मेकअप के बाद आप सेट कर, ठीक है? थोड़ा बताओ, मुझे समझ नहीं आया, बताओ क्या। देखिए आपका सीन ये है कि आप एक बड़े भाई हैं और आप आपको अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका सारा ये सारा सीन है, ठीक है? अब आप इसको देख के समझ लीजिए, जैसा भी होगा हम देख के समझ लेंगे, ठीक है? ये लीजिए, ठीक है? अच्छा, ये जाकर स्क्रिप्ट पकड़ लीजिए, इनका स्क्रिप्ट लीजिए, इधर भी नहीं यहाँ तक जी। सीन तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? नहीं, सामने वाले को भी बताओ क्या है, बोलो सारे डायलॉग बोलो तुम। चलो चलो सेट पे लगा रहे हो, मैं आपको सीन समझा देता हूं, चलते चलते सब समझ लेंगे सर। अरे सर, पूरा हो ही नहीं मेकअप आपका, मेकअप चेंज हो चुका है। अरे वो हम वहां देख लेंगे, आप लोग छोड़िए, आपका सीन, आपको सीन समझ में आ गया ना? अब जाइए। हां तो मैं यहां पे हूं। आपका पहला सीन ये है, आपको अपने भाई को समझाना है, ठीक है? वो घर से भाग चुका है और वो कहीं आपको मिल गया है, ठीक है? चलो चलो राइट, कैमरा एक्शन। ओ कट कट कट, सॉरी भाई, शोर मत करो यार, फालतू बंदा यहाँ कोई नहीं लुटेगा भाई, सब साइड हो, साइड हो, प्रॉब्लम नहीं सबको। और सिचुएशन के हिसाब से खुद भी कुछ चेंज कर दिया करो, ठीक है? ठीक है, तो रेडी? अरे डम्बो उठाओ, कैसे उठा रहा था तुम्हारा, ओ चलो तुम्हारा चेस्ट है, ये क्या आ गया यार तुम लोग, चेस्ट है आपका? कल क्या किया था आपने? सर कल चेस्ट किया था, तो आज अपना बाइसेप मार, बाइसेप मार, हाँ रोड़ दो। हेलो सर, सर आज हम यू दे जिम में, ओके तो मैं क्या करूँ सर अभी? स्टार्ट कहाँ से करूँ? बैठिए, ये हमारा प्लान है महीने का। विनायक सबका बॉस है, सबको लाइन में लो और सबकी क्लास लगाओ, सब पहले बिठाओ सबको, सबको बिठाओ। ऑफिस में बॉस है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, टारगेट कंप्लीट नहीं इनका, चलो बैठाओ। मीटिंग सबके साथ जी, चलो बैठो भाई, क्या चल रहा है? काम चल रहा है, काम चल रहा है, कैसे कर रहे हो? जैसा बता रहे वैसा कर रहे हैं, जैसा बता रहे वैसा कर रहे हैं, क्या बात है? और तुम क्या कर रहे हो? सर बस हो ही चुका है, बस थोड़ा सा आप ही है वो जो तुम्हें कल मुझे भेजना। और तुम? सर सबकी पगार का हिसाब किया है, कल 9 तारीख है, उसी में लगा पगार कटेगी सर, समझ रहे हो? सर क्योंकि काम हो नहीं रहा है जैसा तुम बोल रहे हो। सर आप तो सकता है ऐसा, मैं तो बेटा तुम तीन लोग हो ना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, पर मेरे ऊपर भी और लोग हैं, उनको मुझे जवाब देना पड़ता है, कन्वर्जन उतनी आई नहीं जितनी तुम लोग बात कर रहे हो। और ये क्या है, कागज में मेल भेजा करो ना प्रॉपर है। विधान विधान जो है मोहल्ले में दंगा हो गया है, लड़कों को तैयार करो, मार्केट कर ले जाना है, इन लड़कों को तैयार करो, इकट्ठा करो लड़कों को, उधर कहां जा रहे हो? चुप है सारे, खाई हमारी आज काट के रख देना है, चलो चलो मोहल्ले के लड़के के सर पे ट्यूबलाइट फोड़ा है। अच्छा चाकू खंजर बेल जितना को जोता है ना सारे निकाल, हां उठाओ उठाओ खंजर, आज लड़के को मारना है, ठीक है? हां अवस्थान चाहिए सबका, सर लो पे हाथ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हां शकील मर चुका है, शकील गिर गया, मर गया शकील, अरे बस चलो इसको लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ घर पे, ले जाओ शकील के, चलो पीछे चलो, शकील को लेटा दो। हवा दे, हवा दे,
शकील मर चुका है, शकील मर चुका है, तुम लोगों टेंशन में आ गए हो। अब पुलिस पुलिस की सब हो जाएगा, क्या करोगे अब लोग? घर छोड़ पुलिस में क्या बोलेंगे, पुलिस आई है हॉस्पिटल में क्या घूम रही है बाहर, हमारे दंगे में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। डॉक्टर क्या बात को समझ, डॉक्टर आपको मैं आने में लेट कर दिया थोड़ा, वो सब ठीक है डॉक्टर। कितना ये लाश को दिखाने में मदद कर, समझे क्या कह रहे यार, वरना तुम्हें भी ठिकाने लगाया जाता। चलो उठाओ इसे, चलो उठाने के लिए, हाँ उठा के लेके चलो। सुनो मॉर्चरी से लेके जाना इसको, काय मॉर्चरी। सुनो बात, डॉक्टर अगर ये बात कहीं भी बाहर निकली, ठीक है, अगर ये बात कहीं भी बाहर निकली, नहीं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। एक मिनट, अगर ये बात कहीं भी बाहर निकली ना तो हम लोग का बारे में 50,000 कैश काउंटर पे जमा कर दिया, बात कहीं नहीं पहुंचेगी, तेरे घर पे भेजेंगे। सुन, ये रात तक की लाश ले गई, रात को हम आएंगे इसको टपका के लेके जाएंगे, बट इतना कर कि किसी को पता ना लगे, ठीक है, समझा? कैश घर पे पहुंचा देना, पहुंच जा जाएगा डॉक्टर। पहले अपने ठिकाना लगाते हैं फिर इसको लगाएंगे ठिकाने। सीन चेंज, सीन चेंज। चाय की दुकान पे बैठे हुए हो, सब मस्ती कर रहे हो आपस में, खूब मारा साला गुंडो को, गुंडो को बहनचो खूब मारा मादर चोद। पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव की रणनीति हो रही है, कैसे जीतना इस बार चुनाव? यार तुम लोगों ने रोड का काम अच्छे से किया कि नहीं किया? चुनाव सर पे है और कोई टेंशन टेंशन आप दे रहे हो ना सर, आपने अभी रोड का काम, देखो मैंने अकेले पैसा नहीं खाया, तुम सबको भी तुम्हारी जेबें भरी है मैंने। वो सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ कितने वोट्स हमारी तरफ है? सामने वाले पार्टी के 450 वोट है और हमारे खाते में सिर्फ 300 है। ऐसे नहीं जीत पाएंगे, जो खाते में उनको अपने खाते में, जो भी खाते में डलवा लो नहीं जीत पाएंगे ऐसे। जो भी पैसा जमा किया है गुंडा, अगर इलेक्शन जीतना है तो शराब दारू मतलब औरतों के सब बात ऐसे डलवाओ, सब बात वही, सिर्फ पैसे से ही जीत पाएंगे वोटें खरीदने से, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिससे सामने वाले पार्टी के जीतने भी आदमी है सर के मुंह पे पैसा फेंका सबको अपनी तरफ करो, और इसका ये अच्छा उपाय भी है फॉरवर्ड तरीके से, के घर पे 500 रुपए की नोट भेजो, सबको एक नई मानेगा, भेजो नहीं मानेंगे ये जो तुम्हारे समाज में मान गया उससे नहीं मानेंगे। सीधे उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली नहीं पूरा डब्बा ही टेढ़ा करना चाहिए, अगर जो माने माने वरना फिर गुंडागर्दी को उतरो जबरदस्ती लोगों से बोल दियो। नहीं इस बार गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा, सामने पार्टी वाला चले वो अच्छा लोगों में से निकल के आए, उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो। इधर सिनेमा हॉल में फिल्म लगी हुई है, इधर मेरी तरफ, हाँ लाइन में खड़े हो जाए, लाइन में बैठ जाइए, अब उसके बैठ जाइए लाइन में और उसकी बुराई कीजिए, बकवास फिल्म है ये साला, किस तरह का डायरेक्टर है ये, आइटम सॉन्ग आ गया है, मजे करो बड़े। कुछ नहीं गाओ मूवी, भले ही बकवास हो, आइटम सॉन्ग ये बात